आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एसएम और एसएम का पेपर हुआ था सितंबर में, उसके करेक्टेड एमसीक्यू के आंसर क्या हैं, और एक एमसीक्यू में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आईसीएआई को इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका आंसर है 25%। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 37.5%। इसके साथ हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर है 30%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन एक केस स्टडी है, और इस केस स्टडी का पहले क्वेश्चन का आंसर है मैच्योरिटी, दूसरे का एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, यहां तक आप सबको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जो ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में ना बच्चों को दो आंसर हो सकते हैं, या तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी या फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वैसे देखा जाए तो केस स्टडी में साफ साफ बात है फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की। केस स्टडी में मतलब जो आपका केस सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग इसमें फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन है, एयरवेज फॉर अ लार्ज कस्टमर सेगमेंट। तो ये लार्ज वर्ल्ड के चक्कर में ना काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर ये लार्ज है तो डिफरेंशिएशन, और अगर लार्ज नहीं है तो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फाइनल आंसर तो वैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, लेकिन एक आईसीए को बेनिफिट ऑफ डाउट समझ के इस क्वेश्चन पे ग्रेस देना चाहिए। और अगर आईसीए इस पे ग्रेस देगा तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो अगर आईसीए यहाँ पे खेलने की ट्राई कर रहा है तो वो ग्रेस नहीं देगा, लेकिन अगर आईसीए खुद भी यहाँ पे कंफ्यूज है तो उसे यहाँ पे ग्रेस देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला का आंसर है मिशन स्टेटमेंट, उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों को डाउट है, लेकिन मैं बता दूं इसका आंसर है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसका आंसर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट होनी चाहिए। जो बच्चे कह रहे हैं मल्टी डिविजनल या डिविजनल स्ट्रक्चर, ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन आप एसबीयूटी वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डिक्टो लाइन सारी वहीं से मैच हो रही है, तो इस क्वेश्चन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर है बिल्ड। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान था, इसमें आंसर है अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन एंड रीफ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं तो ये एफएम का केस स्टडी था, और इसमें हमें कैपिटल बजटिंग के आंसर निकालने थे। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, इसमें पहले वाले का आंसर है जो आपका कैश इनफ्लो ऑफ टैक्सेस है, इसमें आपका आंसर है 1,60,000, 1,91,500, 3,35,000। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आंसर है 1,45,440, 1,58,179 एंड 2,51,585। उसके बाद आपका एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू है 4,74,890.40। ठीक है, उसके बाद आपका था डिस्काउंटेड पे बैक। तो इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि इसका आंसर 2.74 होना चाहिए या 2.38। तो आपको बता दूं, पता नहीं बच्चों ने किस तरीके से 2.38 निकाला है, लेकिन आपको अगर बता दूं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2.74, तो इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 1,45,000, 3,50,000 और 3,11,000। ठीक है, इसके बाद ये आपका एफएम और एसएम का क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑडिट के लिए भी ऐसी एक वीडियो लाऊं और एफएम का और एसएम का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके लिए भी कोई ऐसी वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।